बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज सीज़न 2023 है और यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें, अल बेक है, एक क्लॉक टावर है जो मक्का टावर भी कहते हैं, हरम शरीफ की हदूद में बिल्कुल यहाँ पे इसकी बैक साइड गली के अंदर आपको अल बेक मिल जाएगा। और यहाँ पे हज सीज़न डील भी चल रही है, तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, क्लॉक टावर के अंदर के मनाजर हैं, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, एक आइकॉनिक है मक्का टावर के अंदर। मक्का टावर का मैं बताता जाऊँ, इसके 120 मंजिला ये इमारत है और यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखें, अल बेक में अब ऑर्डर देते हैं हम, तो यहाँ पे जनाब एक 23 रियाल की डील चल रही है। नगेट्स हैं इसके अंदर, 11 नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज और सॉसेज साथ और ड्रिंक मिलेगा। तो देखते हैं, ये यहाँ पे समझ नहीं आती इन्हें, लैंग्वेज की हमारी लैंग्वेज बैरियर है। यहाँ पे पाकिस्तानी बंगाली भी लोग हैं, तो यहाँ पे इशारों से ही बात करनी पड़ती है। ये हमने अपनी लाइन में आ गए हैं, एक ऑर्डर पंच हो रहा है, दूसरा ऑर्डर आएगा, तो ये सारी की सारी डील जो है इशारों से कुछ समझ रहे हैं। कुछ पैसे हम आगे कर देते हैं, 50 रियाल उनके बाकी का बैलेंस दे देंगे। ये हमने टिप दे दी है और ये हमारा ऑर्डर आ गया, 23 रियाल हमने ले लिए। एक डील खरीदते हैं और देते हैं। लाइफ टाइम में पहले एक्सपीरियंस है कि अल बेक यहाँ पे सऊदीया के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा सेल बिकने वाली है। माशाल्लाह, ये जो पानियर थे वो एक रियाल चैरिटी करते थे, अब इनके साहबजादे हैं वो चला रहे हैं। अब वो हर डील के पीछे 2 रियाल चैरिटी करते हैं, यानी कि जैसे मैंने ये खरीदी है 23 रियाल में, तो इसमें से 2 रियाल जो है वो चैरिटी जाएगी, यानी कि 21 रियाल ये रखेंगे, बाकी 2 रियाल चैरिटी। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। अब इसको हम यहाँ पे सिटिंग की स्पेस नहीं है, मैं बता दूँ, ये कहीं ना कहीं आपको थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। वहाँ मैकडोनल्ड है, लिफ्ट से आप थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इजीली बैठ के आप खा सकते हैं। और अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऑर्डर हमारा आ गया है, अब हम बाहर एग्जिट हो जाएंगे। और ये देखें, इसकी कैप बनी हुई है, ये अल बेक का लोगो आ जाता है। अल बेक के यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट है, ये देखें 23 रियाल की ये डील है। और अब हम स्पेस ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, लोग इसी तरीके से बाजार में बैठ के खा रहे हैं। तो ये है जनाब, इनके नगेट्स हैं, साथ बर्गर है, और ये इसके बाद ड्रिंक आ गए हमारे पेप्सी। और यहाँ की ख़ास तौर पे मैं बता दूँ कि क्वालिटी जो पेप्सी है इंटायरली डिफरेंट है पाकिस्तान से। जो सॉसेजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं बाकी रूटीन के अंदर। ये देखें, पेप्सी कैन पाकिस्तान में भी आप पीते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट जो है इंटायरली डिफरेंट है। केएफसी हमने खाया है यहाँ पे और रोस्ट बहुत से हैं, लेकिन अल बेक ही है। अल्लाह ताला का इन पर ख़ास करम है, अल्लाह ताला से दुआ है कि ये कंपनी मज़ीद बढ़े और पाकिस्तान में भी प्रेजेंस इनकी हो।